इवान, कैसे हैं आप सब? और ये ब्लॉग मैंने ना बहुत पहले शुरू कर दिया था, और जब से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था आप लोगों से बात करने का, तो मैं अभी अभी पूजा करके आई हूँ और टाइम हो गया है 6:45। ये देखिए 6:45 हो गए हैं, और मैं अभी अभी आई हूँ वहाँ से पूजा करके, और मैंने आज साड़ी पहनी है, तो देखिए मैं कैसी लग रही हूँ। और खिलारा जो है ना घर में बहुत ज़्यादा हो गया है, सारा सामान ऐसे ही बिखरा हो गया है सारा। अभी थोड़ा सा सेट करूँगी, उसके बाद में खाना बनाने की तैयारी करनी है। और एक पूजा जो थी यहाँ पे, जो कथा सुननी थी, वो तो मैंने कर ली है, और एक पूजा हम अपने छत पे भी करते हैं, और फिर चांद देख के फिर व्रत खोलती हूँ, तो वो पूजा भी मुझे करनी है, तो वो पूजा भी मैं थोड़ी देर में करूँगी। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। चांद जो है वो निकल आया है, और अब मैं जा रही हूँ, जैसे हमारे यहाँ पे पूजा करते हैं वैसी पूजा करने जा रही हूँ। तो चलिए भी आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ पे पूजा कैसे करते हैं। और यहाँ पर हमने पूजा करनी शुरू कर दी थी, और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये चांद बनाया है आटे के, चावल के आटे से बनाया है चांद, और गाय के गोबर से गणेश जी की वो बनाई है, उसी की पूजा करते हैं हमारे यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने पूजा करना शुरू कर दिया है, धूपबत्ती चला रही हैं, और मैं करवे में सेक लगा रही थी। और यूपी में जिस तरीके से पूजा की जाती है, उस तरीके से ये पूजा है, पूजा कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि मैं बेसिकली यूपी से हूँ, तो हम वहाँ के तरीके से पूजा भी करते हैं। पहले मैं कथा सुनने नहीं जाती थी, लेकिन अब मैं कथा सुनने जाती हूँ, तो वहाँ की वीडियो मैंने डाली है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर जरूर देखिएगा उसको। और यहाँ पर मैंने धूपबत्ती करनी शुरू कर दी है, धूपबत्ती को जला रही थी, और यहाँ पर मैंने अग्यार कर रही हैं। अग्यार बोलते हैं, अग्यार कैसे करते हैं कि जो चंदन की लकड़ी होती है उसको, चंदन की लकड़ी को और घी को एक में मिक्स करके, और फिर उसको आग के ऊपर डालते हैं, और जो अपने देवी देवता होते हैं उनको याद करते हैं, उनसे बोलते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो हम यहाँ पर दही कर रहे हैं, और उसके बाद में फिर अपना कर रहे हैं, तो पत्ती कर ली है, और अपने लिए क्या करना शुरू करते हैं, हमें पानी उठा दे हैं, पानी जब भी मतलब कुछ करते हैं तो ऐसे हमारे यहाँ पर करा जाता है। और मैंने भी क्या करा है, मैंने 7 बार उसमें डाला है, 8 बार किया गया, तो 7 बार या 5 बार डालते हैं, मैंने 7 बार डाला है। और यहाँ पर हमें गौर को सिंदूर चढ़ा रही हैं, तो हमारे यहाँ पर भी गौर को सिंदूर चढ़ाया जाता है, तो जो गणेश जी होते हैं उनसे अपने सुख समृद्धि की कामना करते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, हमारे पति की उम्र जो है वो लंबी हो। और यहाँ पर मैंने मीनू से कपड़ा मंगवाया था हाथ पोछने के लिए, क्योंकि तो हाथ सारा घी घी वाला हो गया था जब घी का वो अग्यारी किया था हमने, तो मम्मी ने भी अपना हाथ साफ़ कर लिया और मैंने भी साफ़ कर लिया। और यहाँ पर मैं सिंदूर चढ़ा रही हूँ गौर को, और यही वाला सिंदूर हम अपने मांग में भी लगाते हैं पूजा करने के बाद में। ये देखिए, इसको मैंने पास से बोला था दिखाने के लिए, और यहाँ पर हम लोगों की थोड़ी सी बात हो रही थी कि मतलब करवा को हम कैसे घुमाएं, तो मैं मम्मी को बोल रही थी, मम्मी इधर से नहीं इधर से करना है, तो मम्मी कह रही नहीं इधर से करते हैं, तो मैंने कहा हमने वहाँ नीचे करा है पूजा आज, तो वहाँ पर भी इसी तरीके से बोल रहे थे। तो मीनू और मीनू के भैया दोनों लोग हंसने लग गए कि लोगों को हमने लग जाओ, और यहाँ पर देखो कि वैसे करवा को मार लिए, मम्मी पता नहीं होता है कि सीधा है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि किस तरीके से करवा को घुमाया जाता है। तो इसको 7 बार घुमाया है, और करवे की जो सीख लगाई है मैंने इसमें, तो एक दूसरे के साथ लगनी नहीं चाहिए ऐसा बोलते हैं हम, तो इसको आराम आराम से हमने घुमाया है, इसको जो थोड़ा सा फास्ट कर दिया इसलिए लग रहा है बहुत जल्दी हम घुमा रही, लेकिन बहुत आराम आराम से घुमाया ताकि एक दूसरे के साथ में लड़े, और मेरी आँखों में ना धुआं लग रहा था, तो थोड़ा मुझे परेशानी हो चुकी है पर बार बार मैं अपनी आँखों को बंद कर रही थी और धुएँ को उधर हटा रही थी कि उधर हो जा,
दिन धुआं है कि मेरी आंखों में जाया जा रहा था। और यहाँ पर हमने करवे को 7 बार घुमा लिया था और यहाँ पर देखिए मैंने धुएं को पीछे करा है तो थोड़ा सा पीछे हो गया है धुआं। और यहाँ पर अब मम्मी चांद को देखकर पानी डाल रही हैं अपने बाल पर, और वो जो सीख लगा रखी थी हमें करवे में वो है। इस तरीके से पूजा की जाती है हमारे यहाँ पर और चांद को अर्घ दिया जाता है। तो यहाँ पर मम्मी वही पूजा कर रही हैं, चांद को अब मम्मी अर्घ दे रही हैं और इसी तरीके से मैंने भी किया है। यहाँ पर मम्मी करके चले गए हैं तो फिर मैं आई हूँ। मैं भी अपने बाल को निकाल कर उस पर पानी डाल रही हूँ और सीख डाल रही हूँ, और वो जो आटे चावल के आटे का चंदमा बनाया है वो नीचे ही रखा है, उसी के ऊपर पानी डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने भी चांद को अर्घ दिया है और माथा टेका है। और यहाँ पर मैंने सबके पैर छुए थे मम्मी के और इनके, लेकिन कोई वीडियो बनाने वाला नहीं था तो नहीं बनाया। और यहाँ पर अनिल ने मुझे मिठाई खिलाकर पानी पिलाया है और हंस रहे थे, कह रहे थे कितनी प्यासी है, सारा ग्लास का पानी पी गई। और मैं बोल रही थी नहीं, मैंने आधा ग्लास ही पिया है। तो फ्रेंड्स अभी रात के बज गए हैं 10 और अब मैंने पूजा कर ली है और अब खाना खाने का टाइम है। थोड़े से चावल बनाने वो बना के उसके बाद में फिर सारे खाना खाएंगे। और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, बाय।